प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 4 बिनिया। देखिए बेटा, हमारा जो ये पाठ है, पाठ 4 बिनिया, इसमें भाषा ज्ञान है। तो भाषा ज्ञान में प्रश्न संख्या 6 पर दिया है, कारक रेखांकित करो व भेद का नाम लिखो। अब कारक तो आपने अभी पढ़े नहीं है, तो इसलिए इस पाठ को हम बाद में करेंगे जब हम कारक पढ़ लेंगे। तो आज हम करेंगे पाठ 5 सूरज का मामा, पाठ का भाषा ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 है आपकी, वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए यहाँ पर शब्द दिया है तमतमाता, हमें तमतमाता शब्द को लेकर वाक्य बनाना है। तो देखिए जैसे है, सूरज गर्मियों में तमतमाता, यानी कि अधिक चमकना, बहुत तेज चमकना तमतमाता है। देखिए इसमें ये तमतमाता शब्द आया, जैसे तमतमाता शब्द है यानी कि अधिक अधिक गुस्से में चमकना, बहुत तेज गर्मियों में बहुत तेज सूरज चमकता है ना, तो ऐसे ही आपको आगे के शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 6, समान लय वाले शब्द लिखो। समान लय वाले शब्द कौन से होते हैं पता है आपको, यानी कि मिलते जुलते शब्द, जैसे थैला, थैला का हो जाएगा मैला। तो जो आगे के जो शब्द हैं बच्चों, ये आपको स्वयं से पूरे करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, अनेक शब्दों अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। यानी कि इसको अनेक शब्द भी बोलते हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। तो हमारा पहला दिया है, महीने में एक बार होने वाला, यानी कि जो महीने में एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं, मासिक। तो ऐसे ही बच्चों आगे के जो वाक्यांश है इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है और स्वयं से पूरा करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, कुछ शब्द सुनने या पढ़ने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। आपको कराया था ना श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो शब्द देखने में और बोलने में एक जैसे लगते हैं, जो शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर और का अर्थ क्या होता है, तथा है ना, और ये है और। अब इसका भी अर्थ अलग है। अब ये दोनों देखिए, और बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग हैं। तो देखिए पहले और का करते हैं, और का होता है तथा। देखिए राम और श्याम विद्यालय गए, है ना, तो यहाँ पर ये और आ गया। देखिए अब और का होता है तरफ, यानी कि तरफ होता है, इसका अर्थ देखिए चारों ओर हरियाली है, यानी कि चारों तरफ हरियाली है और राम तथा श्याम विद्यालय गए। तो देखिए और दोनों का अर्थ अलग है लेकिन इनका जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, तो ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द होते हैं। तो आगे के जो शब्द दिए हैं इनका आपको स्वयं से ऐसे इनका अर्थ लिखना है और इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए गतिविधि कार्य है, सूरज का मामा किसे कहा गया है, अपने अध्यापक अध्यापिका से समझो। गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या करते हैं, एक अनुच्छेद के रूप में लिखो। अब देखिए ये आपको गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या करते हैं, अनुच्छेद लिखना है आपको। छुट्टियां पड़ती हैं तो आप कहाँ घूमने जाते हो या गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या करते हो, तो ये आपको अनुच्छेद अपनी किताब में ही करना है। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 27 और 28 पर प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8 और
गतिविधि कार्य आपको अपनी किताब में ही स्वयं से पूरा करना है, ठीक है।